नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों प्रभास तथा पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम आज रिलीज हो गई है, तो आज के वीडियो में जानते हैं फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो दोस्तों फिल्म एक रोमांटिक लव स्टोरी है, प्रभास तथा पूजा हेगड़े की लव स्टोरी दिखाई गई है और बताया जा रहा है कि किस प्रकार किस्मत किस प्रकार वो अपनी डेस्टिनी से मुकाबला कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दोस्तों प्रभास इसमें एक ज्योतिष के रोल में है, पोमिस्ट्री का अच्छा ज्ञान है, वो किसी का भी हाथ देख करके उनके भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। प्यार वगैरह में विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके हाथों में प्यार की लकीर ही नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी उनको प्यार हो जाता है पूजा हेगड़े से जिसका नाम प्रेरणा है। लेकिन दोस्तों प्रभास उनका हाथ देख करके कहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत लंबी होने वाली है, बहुत खुशहाल होने वाली है। वही दोस्तों विज्ञान कहता है, मतलब डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें एक भयंकर बीमारी ने जकड़ रखा है और वो 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाली है। अब दोस्तों आगे क्या होता है इसी के बारे में पूरी फिल्म बताई गई है, क्लाइमेक्स में क्या होता है, इनकी लव स्टोरी के साथ क्या घटित होता है, ये सब कुछ फिल्म में दिखाया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव्स की। दोस्तों फिल्म का पॉजिटिव्स में 2 चीजें आती है, एक है फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफी है बहुत ही वर्ल्ड क्लास है, बहुत शानदार सिनेमाटोग्राफी है। दूसरी फिल्म के विजुअल्स, फिल्म के जो सेट्स बनाए गए हैं यूरोप के सेट्स जो रिक्रिएट किए गए हैं वो फैंटास्टिक है, रियल है, शानदार लगते हैं। दोस्तों इनके अलावा बात करें अगर फिल्म के नेगेटिव्स की, तो फिल्म में नेगेटिव्स बहुत ज्यादा है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि इस प्रकार की लव स्टोरी में जो इमोशंस होने चाहिए वो फिल्म से गायब है। प्रभास और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री कहीं पर भी अच्छी नहीं लगती है, कहीं पर भी आपको आकर्षित नहीं करती है, आपको बांध कर नहीं रखती, आपको मजा नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों फिल्म में जो डायरेक्टर है और जो जिन्होंने फिल्म की स्टोरी लिखी है जो राइटर है वो ये कंफ्यूज थे कि ज्योतिषी विद्या को ज्यादा बड़ा दिखाया जाए या विज्ञान को। कई जगह पहले स्टार्टिंग में जहां ये बताया जाता है कि ज्योतिषी से बढ़कर कुछ नहीं है, केमिस्ट्री है वो एक आधुनिक विज्ञान है, उसी से सब कुछ हो सकता है, आप सब कुछ मालूम कर सकते हो, वही दोस्तों फिर विज्ञान के बारे में भी बताया गया है। उनको दोनों कंफ्यूज है कि कौन सी चीज को वो ज्यादा अच्छी तरह से बताना चाह रहे हैं, मतलब कुछ समझ में उनको भी नहीं आ रहा, वो भी कंफ्यूज थे। दूसरी बात यह दोस्तों की फिल्म में जो कहानी दिखाई गई स्क्रीन प्ले बहुत डिलेरल है, कई सीन बहुत ही हल्के स्तर पर लिखे गए है। फिल्म का जो जिस तरह का फिल्म का जो स्क्रीन प्ले होना चाहिए वो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ बंद कर रह सके, आप कई सीन देख करके कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े बजट की फिल्म और इतना हल्का स्क्रीन प्ले। तो दोस्तों स्क्रीन प्ले आपको कहीं पर भी बांध कर नहीं रखते है। फिल्म के सामान की बात करें, डायलॉग्स की बात करें, तो डायलॉग्स अच्छे है लेकिन कुछ जगह पर केवल, पूरी फिल्म के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे है, ठीक ठाक डायलॉग है। और दोस्तों जहां तक फिल्म के क्लाइमेक्स की बात करें तो क्लाइमेक्स थ्रिलिंग है लेकिन उतना अच्छा नहीं है कि आप उसको मजा ले सके, वाह क्या शानदार क्लाइमेक्स, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि क्लाइमेक्स में भी इमोशन का अभाव है। और दोस्तों कुल मिलाकर के फिल्म में कोई ऐसी बात कहीं आ नहीं पाई जितनी आप उम्मीदें इस फिल्म से कर रहे थे कि ये प्रभास की फिल्म है, 3.5 करोड़ रुपए फिल्म का बजट है, तो वो वाली बात कहीं पर नजर नहीं आती है। VFX का यूज भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं किया गया है। और दोस्तों कुल मिलाकर के परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रभास का अभिनय ठीक है, वो अच्छे लगे हैं देखने में, लेकिन वो बात नहीं आ पाई क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी हिंदी वर्जन में अपनी आवाज खुद डबिंग की है लेकिन उनकी जो बोलने का जो अंदाज है, जो एक्सप्रेशन है, वो उनकी आवाज से मैच नहीं खाते। इससे अच्छा होता कि वो किसी और आर्टिस्ट से, किसी डबिंग आर्टिस्ट से अपनी आवाज डब करवा लेते तो शायद ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वही दोस्तों पूजा हेगड़े भी कोई खास कमाल फिल्म में नहीं कर पाती है। इसके अलावा सचिन खेड़ेकर तथा मुरली ने भी अपने रोल को बस ठीक ठाक तरीके से प्ले कर दिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के फिल्म में कोई दम नहीं है, फिल्म उतनी अच्छी है नहीं और ये फिल्म से प्रोड्यूसर को भारी नुकसान होगा मेरे को लगता है क्योंकि ये फिल्म दर्शकों को बांध के नहीं रख पाएगी तो ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होने वाली है। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप कमेंट करके वैसे बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। दोस्तों मेरी इस फिल्म के लिए रेटिंग 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 है। साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।